देख रहे हैं जेवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पांचोता के ग्रामीणों ने अघोषित बिजली कटौती की समस्या को लेकर AEN कार्यालय नावा पहुंचकर समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन एवं अनशन इत्यादि करने की चेतावनी देते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि गाँव में इत्यादि बिना पूर्व सूचना के विद्युत कटौती से ग्रामीण परेशान है तथा विद्युत विभाग के इस रवैये से पूरे गांव में रोष व्याप्त है। वहीं विभाग के कर्मचारी गण द्वारा फोन पर सूचना एवं वार्ता के दौरान गलत भाषा के उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर अनशन व धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए विद्युत सप्लाई सुचारू करने की पुरजोर मांग की है। इस दौरान समाजसेवी सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट भीमाराम, रविंदर सिंह, मुकेश कुमार सोनी, सुभाष रेगर, नरेंद्र सिंह राठौर, सोनलाल खेमाराम, कुंभाराम मेघवाल, किशोर बनवारी, प्रजापत, ओम प्रकाश, श्याम सुंदर, प्रेमाराम, मदनलाल, राजेंद्र, राहुल सिंह, पंकज गुजर, ताराचंद, सोनलाल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट। नाम नरेंद्र सिंह। आज के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया? आज लाइट की वजह से दिया गया, एक तो जो ग्रामीण है उसके लिए और सिटी लाइट की दोनों के लिए। छः छः घंटा, तीन तीन घंटा, पाँच पाँच घंटा, आठ आठ घंटा फाल्ट रहती। जैन साहब को फ़ोन करते हैं, जैन साहब फ़ोन उठाते नहीं, जैन साहब को हमें मालूम नहीं। और हमें लाइट आनी चाहिए, हमें तो ये मतलब लाइट आनी चाहिए गाँव में।